यही है वो मटका जिन मटकों के अंदर वो लोग अपना खजाना छुपाया करते थे। यहाँ पर हसन खां मेवाती इन बानिया से मिलने के लिए आते थे और इसी जगह पर 500 साल पुरानी यहाँ पर हवेली आज किस अवस्था में हम लोगों को पेश हो रही है। सबसे पहले सावधानी भी बरतनी है। जब कभी भी हम अपने पुराने इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उन पन्नों के साथ में हम लोगों को ऐसी रियासतों का पता लगता है जो रियासतें हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं। और हर गांव के अंदर हम लोगों को एक ऐसी हवेलियां दिखाई देती हैं जो हवेलियां अक्सर जानी जाती थी बानियाओं की हवेली से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से आ चुका हूँ हरियाणा के सबसे दक्षिणी भाग मेवात के खेड़ला गांव में। और यहां पर आने का हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य एक ऐसी बानिया की लगभग 500 साल पुरानी हवेली का जिक्र करना जो एक ऐसी वास्तुकला के ऊपर बना हुआ है जिसको देखने के बाद में आप लोग भी उसकी चित्रकारिता को बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय मानेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को पीछे की तरफ बहुत सुंदर एक हवेली दिखाई दे रही है और ये जो हवेली है हमारी ये वाली बानियाओं की हवेली के नाम से जानी जाती है। पर इस हवेली के इस वाले भाग को देखते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर छज्जों के ऊपर 3 मंडेर देख सकते हैं और इसी के साथ में 2 आधे गोले जैसी आकृति बाहर गुंबद की फॉर्म में निकाली गई है। और इसके इस वाले हिस्से को देखिए जो कि कलाकृति को सीधे तौर पर हम लोगों के सामने लेकर आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पर अरावली के जो पहाड़ी पत्थर हैं उनका प्रयोग किया गया है। इसी के साथ में चूना पत्थर के इस्तेमाल से इन पत्थरों को यहाँ पर सजाया गया था। और इस तरफ आप जब देखेंगे तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा है आप इसको देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर 6 पिलर का इस्तेमाल किया गया है और इसी के ऊपर वाले हिस्से में बहुत सुंदर एक मेहराब भी दिखेगा। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाला पॉइंट है दोस्तों वो है इसका सबसे सेंटर वाला पॉइंट। सेंटर वाले पॉइंट में नीचे की तरफ हम लोगों को पहाड़ी पत्थर और इसी के साथ में ऊपर की तरफ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को लाल बलुआ पत्थर के मिश्रण से एक बहुत सुंदर गुंबद टाइप की चीज दिखाई दे रही है जो इसकी कलाकृति को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रही है। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे इसके पास वाले व्यू में और आप लोगों के सामने पेश करेंगे एक ऐसा अनटच पॉइंट जो अभी तक के यूट्यूब इतिहास में आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। हमारे पुराने भारत के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हुआ करते थे उनको सेठ कहा जाता था और इन्हीं सेठों में बानियाओं का नाम सबसे आगे हुआ करता था क्योंकि उनको अपने पूर्वजों से विरासत में इतनी ज़्यादा संपत्ति मिली होती थी जो आज हमारे सामने भी पेश हो रही है। दोस्तों इस बानिया की इस हवेली के सबसे पहले आप एंट्री गेट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेट लकड़ी का बनाया हुआ है जिस पे चित्रकारिता है। ये पूरे का पूरा जो बाहरी व्यू है ये पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग की लिपाई की गई थी ताकि इसको एक अलग सुंदर कलर दिया जा सके। पत्थरों को तराशा गया है ताकि एक नई कलाकृति को पेश किया जा सके। ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेड स्टोन जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे इस मंडेर को रोकने के लिए पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और सबसे ऊपर वाले भाग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का डिज़ाइन देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन है। तो एक बार मैं आप लोगों को इसके अंदर ले जाना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर का जो व्यू है वो किस तरीके का दिखता है और ये 500 साल पुरानी यहाँ पर हवेली आज किस अवस्था में हम लोगों को पेश हो रही है। सबसे पहले आपको ये बाहरी व्यू दिखेगा इसका, देख सकते हैं आप और अंदर आइए। अंदर कदम रखते ही हम लोगों को हर बार की तरह वो चमगादड़ों की आवाज जो इसके चारों तरफ से आ रही है
तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले सावधानी भी बरतनी है। और यदि हम इसके अंदर का व्यू देखते हैं तो ये व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये है इसका अंदर आने का रास्ता और इन दीवारों पर आप लोगों को पहाड़ी पत्थर और लाखोरी ईंटें दिखाई दे देंगी। इसी के साथ में ये दीवार का कंस्ट्रक्शन देखिए, नीचे वाले हिस्से में कितना सुंदर बनाया हुआ है। सामने अंदर घुसने के तीन रास्ते हैं और इसी तरीके का जो रास्ता है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉर्नर में जो येलो आपको कलर दिख रहा है वो इसका ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ की आकृति बिल्कुल सेम है, इन पिलर के डिज़ाइन को आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाया गया था दीवारों में। और इसी प्रकार से एक रास्ता यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। और सेम यदि हम यहाँ की तरफ देखेंगे तो डबल शेड के पिलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये अंदर की तरफ उड़ते हुए चमगादड़ भी आप देख सकते हैं कैमरे में। इस वाले हिस्से में आप लोगों को दिखेगा कि जगह तो बहुत सुंदर बनाई गई थी ये, लेकिन वर्तमान समय में इसकी जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इसके ऊपर वाले हिस्से में हम लोगों को ईंटों का कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये आवाज़ सुनिए आप, यही आवाज़ है चमगादड़ों की। हरियाणा के दक्षिण में स्थित ये मेवात जो नूह बन चुका है अब, इसका जिक्र और इतिहास एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जाना जाता है जिसको यहाँ के सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में भी माना गया है, जिनका नाम है हसन खां मेवाती। और ऐसा बताया जाता है कि ये एक मुस्लिम राजपूत शासक थे, यहाँ के राजा बने थे। और उसी समय लगभग बात हम करते हैं 1505 की, जिस समय वो यहाँ के राजा स्थापित कर दिए गए थे अपने पिता के द्वारा। और उनका अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था। और उन्हीं के समय में यहाँ के जो सबसे धनी सेठ थे उन्हीं के साथ में आना जाना लगा रहता था। अब एक बार ऊपर वाले हिस्से का जिक्र करते हैं तो दोस्तों, ऊपर वाले हिस्से में सबसे पहले मंडेर और इसके ऊपर के डिज़ाइन को देखिए आप, कितना अद्भुत डिज़ाइन ये बनाया गया है। ये सामने की तरफ और यहाँ पर भी आप इस कलाकृति को देख सकते हैं। यहाँ पर हसन खां मेवाती इन बानिया से मिलने के लिए आते थे और इसी जगह पर वो कुछ दिनों के लिए मेहमान नवाजी भी हुआ करते थे। जो सबसे प्रमुख बात है वो है यहाँ की पतली लाल लाखोरी ईंटें जो इसके ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादातर देखने को मिल रही है। और यदि हम बात करते हैं इसकी जो शेप है, ये पूरी की पूरी स्क्वायर फॉर्मेशन में बनाई गई है। दीवारों के ऊपर बहुत सुंदर नक्काशी और यहाँ पे कार्विंग्स की गई है। जो कमरे बनाए गए हैं उनके यहाँ पे जो पिलर लगे हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और ये पूरे का पूरी जो जगह है इसको चूने पत्थर और ईंट के साथ में एक बहुत मजबूती दी गई थी लगभग आज से यहाँ पर 500 साल पहले। तो एक बार हम इसके ऊपर वाले व्यू में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे हम लोगों को और भी क्या चीज़ दिखाई देती है। ये है इसका ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ पर जाते समय में काफ़ी सारी सावधानियाँ बरतनी हैं। ऊपर की तरफ जाने के लिए ये वाली सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों पे काफ़ी ज़्यादा मलवा गिरा हुआ है और टूट फूट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, चारों तरफ से इस प्रकार से टूट चुका है ये। पतली ईंटों को कितने सुंदर तरीके से लगाया गया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका ऊपर से व्यू देखिए आप, और ये मंडेर का जो ज्यादातर हिस्सा है ये टूट चुका है। ये यहाँ पर जो ये पिलर इस्तेमाल किया गया है, येलो स्टोन बोलते हैं इसको,
आकृति बड़ी सुंदर है इसकी। यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारी सावधानियाँ बरतनी है, काफ़ी सारी चीज़ों से सावधान भी रहना है। टूट फूट भी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, और अभी हम इसके और ऊपर जाएंगे और देखेंगे वहाँ से हम इसका व्यू कैसा दिखाई देता है। आइए आप। ऊपर आने के बाद में हम लोग इस हवेली के पूरे दृश्य को देख पा रहे हैं, और ये पूरी की पूरी जो हवेली है चार भाग में बटी है। इसका सबसे पहले वाला भाग आप ये वाला देख सकते हैं, बहुत सुंदर कक्ष एक रूम बनाया हुआ है। इस कमरे के अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे की तरफ टूट फूट दिखाई देगी आपको, और इन दीवारों पे देखिए आप, हमारी जो हिंदू वास्तुकला थी राजपूताना शैली, उस शैली के ऊपर ये पूरे का पूरा कमरा कंस्ट्रक्ट किया गया था। आज ये शैली इस मिट्टी की तरह बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इसी के साथ में नीचे वाले हिस्से देखिए कितना टूट फूट हो चुकी है यहाँ पे, और अभी भी एग्जिस्टेंस में है ये वाला। सामने की तरफ देखने पर हम लोगों को कॉर्नर पे दूसरा इसका कक्ष कमरा दिखाई देगा लिपाई के साथ में, और हर कमरे के साथ वाले हिस्से में ऊपर आने का रास्ता भी है। इस तरफ सामने देखने पर एक कक्ष और दिखाई देगा, और इसकी जो छत है वो बिल्कुल टूट चुकी है। ये आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं कि दीवारों पे सुंदर यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, और सेम टू सेम ऊपर जाने का रास्ता भी वहाँ पे कॉर्नर पे आपको सीढ़ियों के थ्रू दिखेगा। दीवारों के साथ में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये वाला जो रास्ता है यहाँ पर, ये पूरा देखिए टूट चुका है बीच वाला हिस्सा। ये बस की कलाकृति आज भी ज़िंदा है, और सबसे जो मेन है वो नीचे का पूरा हिस्सा आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर और उस समय की एक ऐसी शानदार जानदार चीज़ को दिखा रहा है जो उस समय के यहाँ के सबसे धनी व्यक्ति होने के नाते उस सेठ के द्वारा, उस पाणिया के द्वारा बनवाया गया। पुराने किले हों या पुराने महल हों, और वहाँ पर हम लोगों को खजाने वाली चीज़ ना दिखे ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से वो लोग दीवारों के अंदर अपना खजाना छुपाया करते थे। दोस्तों यहाँ पर इस दीवार के हिस्से में हम लोगों को इस तरफ दिखाई देगा एक ऐसा मटका, और यही है वो मटका जिन मटकों के अंदर वो लोग अपना खजाना छुपाया करते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी दीवार में यहाँ पर हम लोगों को खजाने वाला एक मटका दिखाई दिया है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की दीवारों में यही एकमात्र मटका है। आप लोगों को उस समय की एक तिजोरी और दिखाने जा रहा हूँ मैं, और वो तिजोरी तो बिल्कुल ही अलग है। यदि आप लोग सबसे पहले इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसा छोटा सुराग आपको दिख रहा है ये वाला। इस सुराग में अंदर हाथ डालने के बाद में हम लोगों को दिखाई देगा एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम अपने किसी भी प्रकार की चीज़ को छुपा सकते हैं। तो ये हुआ करते थे उस समय के हकीकत खजाने वाले स्थान, और यही कारण बनता है इन किलों के अंदर आज भी मिलते हैं कई खजाने के ऐसे राज जो इनकी दीवारों में और मिट्टी में यहाँ पे दफन हो चुके हैं। ये इसके दूसरे कमरे का व्यू है। ये दीवारें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चौड़ी और मोटी बनाई गई थी, और दीवारों में यहाँ पे लकड़ियों से आले बनाए गए हैं। जो ये सीढ़ियों का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, पतली सीढ़ियाँ दीवारों के साथ में, अभी ये बिल्कुल सेफ नहीं है, काफ़ी टूट चुकी हैं ये। और इन मोटाई से आप देख सकते हैं कि दीवारें कितनी ज़्यादा मोटी होंगी। ऊपर यहाँ पर किसी समय लकड़ियों के शैतीर हुआ करते थे, जो कि वर्तमान समय में यहाँ पे एक भी नहीं बचा है। तो दोस्तों हर बार की तरह हम लोगों ने आज फिर से एक ऐसी वीडियो आप लोगों के समक्ष में पेश करी है जो अभी तक आप लोगों की नज़रों से बहुत दूर था, और सीधे तौर पर हमें हमारे इतिहास के साथ में जोड़ रहा था। तो हम अपनी अगली वीडियो इसी प्रकार से नए पॉइंट की बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप अपना प्यार हमारे साथ में ऐसे ही बना कर रखिए।